एक बार फिर उकाई में पानी की आवक बढ़ने से तापी नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है। इसके कारण अराजन स्थित रेवा नगर झोपड़पट्टी में पानी भरने लगा है। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने यहां स्थित 10 मकानों में से 45 मकानों को शाड़ा नंबर 88 में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि शाम 7 बजे पानी कम होने लगा। बता दें कि जुलाई के 18 दिनों में उकाई का जल स्तर 333 के रूल लेवल के पार हो गया। आपको बता दें कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में तापी नदी दोनों किनारों से बहने लगी थी। इसके बाद करीब 4 सप्ताह बारिश नहीं होने से यहां के लोगों को बड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब उकाई डैम में लगातार पानी की आवक होने से तापी का जल स्तर बढ़ने लगा है। इससे यहां के इलाकों में जल भराव भी होने लगा है। कादरसा किनाल और रेवा नगर में पानी भर गया है। इन जगहों पर बाढ़ के खतरे को देखते हुए फायर ब्रिगेड की टीम को स्टैंड बाई पर रखा गया है। कोजवे का जल स्तर गुरुवार शाम 7 बजे 9.31 मीटर दर्ज किया गया। कोजवे का खतरे का निशान 6 मीटर है। वर्तमान में खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर पानी बह रहा है। उकाई का जल स्तर शुक्रवार शाम 7 बजे 334.50 फीट रूल लेवल 335 फीट था। वहीं पानी की आवक और जावक 181,548 क्यूसेक दर्ज किया गया। उकाई के 12 गेट 9 फीट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। 335 फीट के रूल लेवल को मेंटेन करने के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं अनुमान टेकरी, पाल, ढबोली, वरियाव, मक्काई पुल समेत 9 फ्लड गेट बंद कर दिए गए हैं। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार की तुलना में गुरुवार को अधिकतम तापमान 1 डिग्री कम होकर 29.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री रहा। साउथ वेस्ट से पवन की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। सेंट्रल जोन के 2, कतरगाम के 5 और रांदेर जोन के 2 फ्लड गेट बंद किए गए हैं। इसी कारण रांदेर और सेंट्रल जोन में झोपड़पट्टियों और कच्चे मकानों के साथ सड़कों पर भी जल भराव की स्थिति है। विशेष तौर पर कादरसा किनाल और रेवा नगर में पानी भर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जागरूक भारत, 24 न्यूज़, सूरत।